पैनल को वापस रखिए स्क्रीन पे और आज के टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए डायरेक्टर साहब। गावस्कर, वीकेंड का क्या प्लान? ट्रैवलिंग वीकेंड का प्लान इतना है बस। इंडिगो रेडार पे कुछ और है? नहीं, इंडिगो रेडार पे नहीं है। Okay. मैं स्टॉक के बारे में बात करूं उसके पहले एक सजेशन है, एक क्या कहें रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से। कल जो सेलिब्रेशन था बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जो प्लेयर्स जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो अथॉरिटीज वहां पर भी सेलिब्रेशन कीजिए, करना चाहिए, जरूरी है, ये उनका हक है। अगर हम अपने लाइफ में कुछ बन जाते हैं तो अपने गाँव में जाके एक घर बना वो दिखाने के लिए कि हम आ गए। आई थिंक ये प्लेयर्स का हक है, दे शुड सेलिब्रेट इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट्स। वहां से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा और लोकल टैलेंट वहां से बहुत मिलेगा। आई थिंक इट्स नेसेसरी, अथॉरिटीज कोई सुन रहे हैं तो प्लीज कीजिए जैसे बॉम्बे में किया, बहुत बहुत जरूरी है। आपके लिए भी मुझे मैसेज आया था करीब 6-8 महीने पहले कि हम आशीष के नेबर हैं, तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यस, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो आई एम श्योर हो रहा होगा, होएगा ज्यादातर शहरों में तो जहाँ जाएंगे लौट के जाएंगे वहाँ पे सेलिब्रेशन तो हो ही रहा। हाँ, नहीं होगा, आई थिंक जैसे आज सीएम शिंदे साहब मिल रहे हैं अपने जैसे मुंबई के प्लेयर्स से, मुंबई तो बाकी सब बिल्कुल, लेकिन बात ये सही है, होना चाहिए और वाई नॉट, इतने टाइम के बाद वर्ल्ड कप जीता है तो हो जाएंगे थोड़े अलग अलग सेलिब्रेशन अलग अलग शहरों में, तो क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से शायद अच्छा आइडिया गाबा सर, और शायद अगर अथॉरिटीज सुने तो एक अच्छी बात होगी। आपको तो सुन ही रहे होंगे गावे सर, आज का बिल्कुल सही कहा आपने, आज का टॉप कॉल सर, आज का जो स्टॉक है, बहुत दिक्कत थी आज स्टॉक निकालने में, लेकिन आज का जो स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा, यहां पर लगता है तेजी है, सेटअप सही है, ट्रेड करा है 1253 का, स्टॉप होगा 1244, करीब 9 रुपए का स्टॉप है, टारगेट है 1280, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में 9-27 रुपीज। तो मेरे ख्याल से औरोबिंदो फार्म में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, लेकिन आसपास मिले तो, वरना इसको छोड़ देना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा ये होगी गाबा सर की पिक। कविता जी गुड मॉर्निंग, कविता जी आपका टॉप ट्रेडिंग आइडिया। वेरी गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डिफेंसिव सेक्टर से ही लेंगे और मेरा पिक भी फार्मा से है, दैट इज टोरेंट फार्मा पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और वीकली चार्ट एक बहुत अच्छा एनगल्फिंग फॉर्मेशन बना है, और डेली कल एक हैमर फॉर्मेशन के साथ क्लोजिंग हुआ है काउंटर में। लीडिंग इंडिकेटर फर्दर स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहे हैं काउंटर में, 2870 का क्लोजिंग है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2910-2950। टोरेंट फार्मा पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, 2850 का स्टॉप लॉस इंडिकेट है। ओके, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, दो दो फार्मा स्टॉक्स के साथ आज की ट्रेडिंग बैच की शुरुआत। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आज का आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, करेक्शन हो गया, 50-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कल रिकवरी में 20-day मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले, आई थिंक अब एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 630 के टारगेट के लिए आप इंडियन होटल्स में खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 602, 602 के नीचे रहेंगे, 602 रुपए के नीचे रहेंगे। ऑप्शन में आप 620 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 16 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी तो वहां पर मिले तो आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 24 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडियन होटल्स, कल भी हमने स्टॉक की बात की थी और ये एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में कल भी विजिबल था। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर हम कल का चार्ट देखे तो यहाँ निचले लेवल से थोड़ी बाइंग आई थी, नॉर्मली ये जब होता है तब नेक्स्ट डे ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 790 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 777777 पे स्टॉप लॉस रख के 820-825 तक के टारगेट, जो ऑलमोस्ट स्विंग हाइज बने हुए थे, वो टारगेट्स रखे जा सकते हैं। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, सतपुते साहब आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखें, मेरी नजर है IT पे, IT फार्मा डिफेंसिव, यही मुझे लगता है थीम रहेगी। लेकिन मुझे चुनना है अगर 8 बजे का पिक तो डेफिनेटली इट विल बी HCL टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है IT में ट्रैक्शन अभी भी जारी है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वहीं से बाइंग हो रही है, तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रेंथ है IT की इसी में प्ले करना चाहूंगा। इसमें से HCL टेक्नोलॉजी देखिए, कल इसमें एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ
और ये जो ब्रेकआउट है ये 1512 पे क्लोज हुआ, 1500 का कॉल राइटर यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग थी, ओपन इंटरेस्ट वॉज डाउन बाय 7%, प्राइस वॉज अप बाय 2.5%, तो शॉर्ट कवरिंग वाला ये कैंडिडेट मुझे लगता है। तो आज जो भी डिप मिले, जैसे कि आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो भी डिप मिले 1500 के ऊपर, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। सो बाय एचसीएल टेक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1480, मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट पड़ाव होगा इंट्राडे अगर देखें तो 1550 एक पहला स्विंग का टारगेट होगा, लेकिन लगता है 1575 तक की जगह एचसीएल टेक्नोलॉजीज बना रहा है, तो इट्स अ बाय। एचसीएल टेक इज अ बाय, लग रहा है चार्ट काफी स्ट्रांग है एक्चुअली। और अब चलते हैं पार्थिव के पास और उनसे समझ लेते हैं एक फंडामेंटल आइडिया। पार्थिव गुड मॉर्निंग। पार्थिव आपका प्रेफर्ड स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट ऑडियंस। देखिए अनुज जी, एक एनर्जी के वेटर के साथ मैं बैठा हुआ था और लास्ट वीक, और उन्होंने यही चीज समझाई कि इंडिया के अंदर जिस तरह का रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। यस, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द कार्बन फुटप्रिंट, लेकिन थर्मल पावर प्लांट कहीं जाने वाला नहीं है। एंड ही सेड दैट यू नो ऑलरेडी हमने देखा है कुछ अनाउंसमेंट्स के काफी कंपनीज उसकी कैपेसिटीज ऐड कर रही है। तो मेरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। सी, एक चीज है कि एनटीपीसी की जिस तरह की थर्मल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आई थिंक नो अदर प्राइवेट प्लेयर कैन कम क्लोज। नॉट ओनली दैट, अगर देखने जाए तो एनटीपीसी इन द थर्मल पावर प्लांट सेगमेंट, बिकॉज आज की तारीख में एनटीपीसी को एज अ स्टॉक जाना जाता है बिकॉज ऑफ द आईपीओ अनलॉकिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसका जो थर्मल का जो पावर प्लांट है वो आज की तारीख में 75-80 के प्लांट लोड फैक्टर पे वर्क कर रहा है, विच इज अ वेरी फिनोमिनल। और उसके वजह से हम देखेंगे कि आगे जाते के क्वार्टर्स में जो कैश फ्लोस बनेंगे वो बहुत ही तगड़े बनेंगे। ये कंपनी के पास क्षमता है कि 45,000 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उन्होंने डाला है इन टर्म्स ऑफ न्यू थर्मल पावर कैपेसिटीज। रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर में अदानी ग्रुप ने भी अनाउंस किया कि उनकी थर्मल कैपेसिटीज बढ़ेगी, तो एनटीपीसी इज ऑलरेडी लीडर इन दैट। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो आईपीओ की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ एनटीपीसी रिन्यूएबल्स, वहां पे अगर देखने जाए कि ऑपरेशनली ऑलरेडी उनके पास 3.6 गीगावाट की कैपेसिटी है, अन्य और कैपेसिटी ऑफ 8.2 गीगावाट्स इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। नॉट ओनली दैट, दे आर इन द पाइपलाइन ऑफ टेंडरिंग ऑलमोस्ट 9 गीगावाट्स वर्थ ऑफ एडिशनल कैपेसिटी। तो ये कंपनी भी जो बनेगी, आई थिंक वो भी काफी बड़ा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूएशन अनलॉक करेगी। और जिस तरह की पावर की डिमांड है और जिस तरह की शॉर्टेजेस है थर्मल पावर कैपेसिटी, आई थिंक एनटीपीसी सीम्स टू बी द बेस्ट प्ले फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आने वाले 3 से 5 साल में मुझे लग रहा है कि ये सस्टेनेबल एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है। इंटरेस्टिंग, दिग्गज सरकारी पावर कंपनी एनटीपीसी, अभी और तेजी की कर लीजिए तैयारी, पसंद आता है लंबी अवधि के लिहाज से ये काउंटर। रैप अप करा जाए, गावा सर को बहुत गावा सर जब बहुत डिफिकल्टी से आपने अरबिंदो फार्मा चुना था, तो फिर कितने स्टॉक कुल मिलाकर चुन पाए थे आज के लिए आप? 7 थे, कल एक दे चुका था। तो डिफिकल्टी में आप बहुत डिफिकल्टी में साथ साथ मिल गए आपको पिक्स। मिल जाते हैं। अभी इसमें भी बाकी जो 6 बचे हैं उसमें भी 3 थे, बाकी मैं तो कंडीशनल बाय देता। तो डिफिकल्टी क्या थी? 7 ट्रेडिंग पिक्स मिल गई तो फिर अच्छा दिन था। नहीं, लेकिन क्या उसमें देता, ऐसा हो तो ये करना, ऐसा हो तो ये करना, वो ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है वो, तो उसमें लेकिन था, ट्रेड कर सकते उसी को भी, लेकिन सबको ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक, जो सबको ट्रेड कर सकता है वो है अरबिंदो फार्मा। लाइए भाई फिर से रैप अप की प्लेट। गाबा सर अरबिंदो फार्मा पे दाव लगा रहे हैं, खरीदारी करने का मन है, स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखिएगा, 1244 के टारगेट्स हैं 1280 के। ऐसे ही कविता जी भी फार्मास्यूटिकल्स पे गई, टोरेंट फार्मा 2850 के स्टॉप के साथ 2910 2950 के लक्ष्य। इंडियन होटल्स मानस के रडार पे आता हुआ, 602 का स्टॉप है, 630 के टारगेट्स है, चाहे तो 620 का कॉल भी, मेरे ख्याल से 12 का स्टॉप लॉस था जिस पे आप खरीद सकते हो उसके साथ। सावन साहब को पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, खरीदारी करने का मन, 777 ये है स्टॉप लॉस, 820 825 के लक्ष्य। डिफेंसिस पे ही सतपुते साहब भी दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन उनका पिक है HCL टेक्नोलॉजी, बाय ऑन डिप्स, 1480 का स्टॉप, 1550 1575 के लक्ष्य। और पार्थिव कह रहे हैं NTPC बढ़िया मूव्स डिलीवर करेगा लंबी अवधि के लिए, गिरावट में करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है।